हेलो स्टूडेंट, हमारे इंजीनियरिंग मटेरियल चैनल पे आप सभी का स्वागत करते हैं। आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड फ्यूल्स, अर्थात लिक्विड द्रव फ्यूल्स के गुण क्या क्या होते हैं। ठीक है, क्या क्या होने चाहिए, क्या क्या होते हैं। तो देखिए, लिक्विड फ्यूल्स के प्रॉपर्टीज फॉलोइंग है। जो लिक्विड फ्यूल के जो गुण हैं वो निम्न का अनुसरण करते हैं। नंबर एक, डेंसिटी के ऊपर। नंबर दूसरा, स्पेसिफिक ग्रेविटी के ऊपर। नंबर तीसरा जो होता है, विस्कोसिटी के ऊपर। और नंबर चौथा जो होता है, फ्लेस और एंड फेयर्स पॉइंट। और नंबर पाँचवा जो होता है, ऑक्टेन नंबर पे। और नंबर छठवा जो होता है, इग्निशन पे ऊपर होता है, डिपेंड करता है। ठीक है, तो नंबर पहला हम देखेंगे डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? ठीक है, किसी लिक्विड फ्यूल्स के पर यूनिट वॉल्यूम के मास को ही उस लिक्विड फ्यूल की डेंसिटी कहते हैं। अर्थात किसी द्रव फ्यूल्स, द्रव ईंधन के पर यूनिट वॉल्यूम के मास को ही उस लिक्विड के, उस द्रव फ्यूल्स के का डेंसिटी कहते हैं। लिक्विड फ्यूल्स की डेंसिटी कम होनी चाहिए, क्योंकि डेंसिटी कम होने से उस लिक्विड फ्यूल्स को आसानी से किसी बर्नर में स्प्रे किया जा सकता है। अर्थात किसी लिक्विड की जो डेंसिटी हो वो कम होनी चाहिए, घनत्व जो हो वो कम होनी चाहिए, क्योंकि घनत्व जो होता है कम होने पर उस लिक्विड फ्यूल्स को आसानी से किसी बर्नर में स्प्रे कर किया जा सकता है। ये नंबर पहला पॉइंट था, डेंसिटी। और नंबर दूसरा पॉइंट देखेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात की जाती है, किसी लिक्विड फ्यूल्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी उस लिक्विड फ्यूल की डेंसिटी व किसी स्टैंडर्ड लिक्विड फ्यूल की डेंसिटी का रेशियो होता है। अर्थात किसी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है, किसी लिक्विड फ्यूल की स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है उस लिक्विड फ्यूल की डेंसिटी व किसी स्टैंडर्ड लिक्विड की डेंसिटी के रेशियो होता है। तो इसका फार्मूला जो होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड फ्यूल बराबर होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड फ्यूल बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्यूल। नोट, लिक्विड फ्यूल की स्पेसिफिक ग्रेविटी या डेंसिटी जो होता है टेम्परेचर व प्रेशर के साथ वेरी करती रहती है। अर्थात लिक्विड फ्यूल की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी या डेंसिटी हो वह टेम्परेचर और प्रेशर के साथ वेरी करता रहता है। अगला टॉपिक देखेंगे विस्कोसिटी। विस्कोसिटी जो होता है, विस्कोसिटी द्वारा किसी लिक्विड की गाढ़े या पतलेपन की जानकारी होता है। अर्थात जानकारी होती है लिक्विड फ्लो के अंतर्गत उसके आइटम्स में पारस्परिक फ्रैक्शन फ्लो का विरोध करती है। अर्थात लिक्विड फ्लो के अंतर्गत अगर लिक्विड जो है फ्लो कर रहा है तो उसके अंतर्गत जो परमाणु होते हैं में पारस्परिक घर्षण फ्लो का विरोध करती है, उसे ही विस्कोसिटी कहते हैं। अत्यधिक विस्कोसिटी वाला लिक्विड जो होता है गाढ़ा होता है, अर्थात जिसमें विस्कोसिटी की मात्रा ज़्यादा होती है, अधिक होता है, जिसका विस्कोसिटी अधिक होता है उसका जो लिक्विड होता है वो गाढ़ा होता है और एटम्स से अधिक फ्रिक्शन के कारण वह आसानी से फ्लो नहीं कर सकेगा। अर्थात उसके परमाणुओं के बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन अर्थात घर्षण के कारण वह आसानी से फ्लो नहीं कर सकता है। तो प्लीज़ अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और भी जो पॉइंट बाकी हैं आप हमारे नेक्स्ट वीडियो में आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं।